जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपीसीडी न्यूज को। गाजियाबाद शहर में तेंदुआ घुस आया है। मंगलवार की सुबह राजनगर के राजकुंज में तेंदुआ देखा गया। सीसीटीवी कैमरों में भी वीडियो फुटेज मिली है। लोगों ने गलियों से तेंदुए को गुजरते हुए देखा है। अब गाजियाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने शहर के लोगों के लिए एडवाइजर जारी की है। डीएम ने कहा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को बिना वजह घर से बाहर न निकलने दें, चौकसी बरतें। डीएम ने बताया कि दिल्ली और मेरठ से विशेषज्ञों की टीम बुला ली गई है। तेंदुए को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह करीब 12 बजे एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था, जिसमें राजनगर के आवासीय क्षेत्र से गुजरते हुए तेंदुए को देखा जा सकता है। कई घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में तेंदुआ रिकॉर्ड किया गया है। शुरुआत में वन विभाग के अधिकारी इसे जंगली बिल्ली या फिशिंग कैट होने की बात कह रहे थे, लेकिन साफ वीडियो फुटेज मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि शहर में तेंदुआ घुस आया है। अब वन विभाग की 5 टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है।